जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। अमावस्या के दिन उधर इस पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है, जितनी परेशानी पेट से जुड़ी हुई, चाहे उधर के अंतर्गत कोई गांठ पड़ गई हो, कोई थैली में गांठ पड़ गई हो, हमारा डॉक्टर बोल रहा है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या पेट से जुड़ी जितनी आधिकाधिक जितनी भी बीमारियां हो जाती, भद्राक्ष उस जगह पर काम आता है। केवल 3 दिन तक भद्राक्ष का जल, भद्राक्ष जो है पानी में उसको डाल दिया जाता है, भद्राक्ष का जल शंकर पर ना चढ़ाकर केवल अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको पहले भी वर्णन किया अशोक सुंदरी की जगह का, कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गौर, और इसके सामने जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है बाबा का, उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो बीच में एक मोटी सी जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। भद्राक्ष का जो जल होता है वो शंकर पर ना चढ़ाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दिया जाए, और उस जल को झेल कर लाया जाए, और उस जल का पान, अगर उधर में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, उधर में जुड़ी हुई कितनी भी परेशानी चल रही हो, मात्र 3 दिन भी अगर भद्राक्ष का पानी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है, 7 स्थान चंदन के बताएं हमारे। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है,
तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।